हेलो चिल्ड्रन मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर आज हम लेकर आए हैं एन क्लास एट का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसकी जो एन सी ई की एक्सरसाइजेज हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं चलिए सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड आपको क्या करना है यहाँ पर दिया हुआ देखें सेलेक्ट द करेक्ट करेक्ट वर्ड आपको सही वर्ड को करेक्ट वर्ड को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट नीचे एक लिस्ट दी गई उसमें से एंड फिल इन द ब्लैंक्स और ये जो ब्लैक्स दिए गए इनको भरना है इसमें ऑप्शनस भी दिए गए फ्लोट मतलब होता है तैरना वाटर मतलब पानी क्रॉप मतलब फसल न्यूट्रेंट्स मतलब जो आप लेते हैं और प्रिप्रेशन मतलब क्या होता है तैयारी द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट एस एट ए प्लेस इस कॉल्ड तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट जो ऑप्शन आएगा, आएगा आपका वो होगा क्रॉप ठीक है सेकेंड द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इस फर्स्ट स्टेप मतलब पहला स्टेप क्रॉप को ग्रो करने से पहले इस प्रिपरेशन मतलब यहाँ पर यह वाला ऑप्शन आ जाएगा वाला डैमेज सीड वुड फ्लोट तो ये डैमेज damage, जो डैमेज सीड सीड्स होते हैं वो पानी में डालने में क्या करते हैं तैरते हैं मतलब फ्लोट होते हैं ऑन ऑन टॉप ऑफ वाटर फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशेंट सनलाइट सफिशेंट सनलाइट एंड न्यूट्री एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल यहाँ पे न्यूट्रिएंट यह और वाटर आप फिल कर सकते हैं यहाँ वाटर भी कर सकते हैं यहाँ न्यूट्रेंट भी कर सकते हैं ठीक है इस तरह से ही जो फिलिंदा ब्लैंक की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है सेकेंड है मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी आपको क्या करना है कि कॉलम ए में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको कॉलम बी से मैच करना है ठीक है देख लेते हैं जैसे यहाँ पे खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप मतलब खरीफ का क्रॉप क्या होती है क्रॉप से आर ग्रोन और कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं या कल्टिवेट की जाती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है तो यहाँ पर यह ऑप्शन आएगा पैडी एंड मेज और इन लास्ट वाला पैडी मतलब धान और मेज मतलब मक्का रबी क्रॉप मतलब होता है क्रॉप से आर ग्रोन और कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा ये वाला आएगा वीट ग्राम एंड पी केमिकल फर्टिलाइज़र्स कौन कौन से हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट ये क्या होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर फर्टिलाइज़र हैं एनिमल ऑर्गेनिक मेन्योर क्या होता है तो यहाँ पर यह ऑप्शन आएगा ऑर्गेनिक मेन्योर में एनिमल एक्सक्रीटा मतलब वेस्टेज ऑफ एनिमल डंग यूरिन एंड प्लांट वेस्ट ठीक है यहाँ पे फोर ऑप्शन थे यहाँ पे हमने चूज कर लिया फोर ऑप्शन इसके बाद नेक्स्ट गिव गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच खरीप क्रॉप एंड रबी क्रॉप तो आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पर कि खरीफ और रबी की क्रॉप का आपको आप वो देना है एग्जाम्पल्स देना जैसे की का है जैसे खरीफ की क्रॉप का एग्जाम्पल है पैडी एंड मेज और रबी की क्रॉप का ऑप्शन है आपके पास वीट एंड ग्राम और पीज भी लिख सकते हैं आप अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका राइट राइटअप पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग आपको क्या करना है एक पैराग्राफ लिखना है या इसे हम शॉर्ट नोट्स भी कहते हैं वो आपको लिखने को एग्जामिनेशन में आ सकते हैं जैसा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में कैसा लिख सकते हैं द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टिवेशन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब फसल को बोने का कल्टिवेट करने का पहला स्टेप है जमीन की तैयारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल दिस इज डन बाय द लूजनिंग एंड टर्निंग और ये ज़मीन को तैयार करने के लिए हमें क्या करना होता है उसे ढीला करना होता है लूजनिंग एंड टर्निंग और पलटना होता है अब इसमें क्या होता है प्लाउ इज़ यूज फॉर द पर्पज और इसके लिए हम एक प्लाउ का यूज़ करते हैं इफ़ द सॉइल बिकम्स टू हार्ड दैन फार्मर्स में रिसोर्ट टू वाटरिंग द सॉइल बिफोर प्लाविंग क्या होता है यदि सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो फिर क्या करता है कि जो फार्मर होता है वो क्या होता है वाटरिंग पहले जमीन को वाटरिंग करता है पानी देता है फिर उसमें प्लाउ करता है ट्रेडिशनली एनिमल ड्रॉन प्लाउज हैव बीन यूज फॉर बाय फार्मर्स मतलब पुरानी फिल्में देखी होंगे आपने तो क्या होता है ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत पुराने समय से हम क्या एनिमल ड्रॉन प्लाउ मतलब एनिमल जैसे बुल है और आपके जो बफेलो है वो जो ड्रॉ करती हैं घीचती हैं प्लाउ को वो वाले प्लाउ यूज किए जाते हैं बट नाउ इट इज़ ट्रैक्टर ड्रॉन प्लाउज आर यूज लेकिन आजकल जमाना क्या है टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली तो अब बुल वाला जो मतलब एनिमल ड्रॉन प्लाउ यूज़ ना करके हम क्या करते हैं ट्रैक्टर ड्रॉन प्लाउ का यूज़ करते हैं फॉर दिस परपज़ अ ट्रैक्टर हेल्प्स इन सेविंग टाइम ट्रैक्टर क्या करता है कि ट्रैक्टर हेल्प सेव्स योर टाइम एंड लेबर एज वेल एज मनी तीनों चीज़ों को आपके बचाता है नेक्स्ट तीसरा है आपका दूसरा जो आपको नोट्स लिखना है वो है सोइंग सोइंग मतलब होता है बीज बोना ठीक है जैसा आपने इंग्लिश में कहावत पढ़ा होगा कि जैसे आप बीज बोते हैं वैसे ही आप फसल काटते हैं तो सोइंग सीड्स आर सोन इन द फील्ड आफ्टर फ्लाउिंग मतलब प्लाउ करने के बाद ही क्या होता है आप सीड को सो कर सकते हैं अब फार्मर नीड्स टू तो सेपरेट डैमेज सीड फ्राम गुड सीड्स तो फार्मर को क्या करना होगा डैमेज सीड से अच्छे सीड्स को गुड सीड्स को अलग करना होगा द सीड्स शुड बी सोन एट प्रॉपर गैप और क्या होना चाहिए वन यू सो द सीड्स देयर मस्ट बी अ प्रॉपर गैप बिटवीन द सीड्स मतलब उनके बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए मतलब गहराई भी क्या होता है यू हैव टू यू हैव टू सी यू हैव टू सो सीड्स एट द प्रॉपर डेप्थ मतलब उसकी जो प्रॉपर डेप्थ है गहराई है ज़्यादा अंदर भी नहीं और ज़्यादा बाहर भी नहीं ऐसी प्रॉपर एक डेप्थ में आपको सो करना होगा प्रॉपर गैप बिटवीन सीड्स एंड प्रॉपर डेप्थ इन सोइल एंडश्योर्स एडिक्यट सनलाइट यदि आप प्रॉपर गैप को मेनटेन करते हैं सीड्स में और प्रॉपर डेप्थ को सो इट विल प्रोवाइड एडिक्यट सनलाइट मॉस्चर एयर एंड न्यूट्रिय टू द ग्रोइंग प्लाट्स तो ये क्या करते हैं जो ग्रोइंग प्लांट्स है उसको ये प्रॉपर सनलाइट मॉइस्चर नमी और एयर और न्यूट्रिय को प्रोवाइड करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वर्ड होता है नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है जिसमें आपको एक शॉर्ट नोट से लिखना है वो है आपका वीडिंग वीडिंग क्या होता है सो so वीडिंग क्या होता है वीडिंग मतलब रिमूवल ऑफ वीड्स मतलब वीड्स क्या होते हैं अनवॉन्टेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग द मेन क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स मतलब ऐसे प्लांट जो अनवॉन्टेड अनचाहे जो प्लांट्स होते हैं अनवानटेड प्लांट्स दैट ग्रो विद द मेन क्रॉप जो मेन फसल के साथ उग जाते हैं उसे हम वीड्स कह सकते हैं वीड्स कहते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग और इस ये जो वीड्स होते हैं अनवान्ट प्लांट्स होते हैं इनको रिमूव करना ही वीडिंग कहलाता है वीडिंग इज यूजली डन मैनुअली पहले वीडिंग मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं उसको मैनुअली भी आप अलग कर सकते हैं और बाय यूजिंग अ ट्रॉवेल लाइक ट्रॉवल करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है उससे आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं मतलब बीज के जो घास होते हैं उसको अलग करने के लिए वीड्स आर आल्सो रिमूव्ड ड्यूरिंग प्लाउ जब हम प्लाउ करते हैं खेत में तो तब भी वीट्स जो है वो अलग हो जाती है आजकल बट डीज डेज वीडीसाइड्स आर मोस्टली यूज फॉर रिमूविंग वीड्स अनवांटेड प्लांट्स को अलग करने के लिए आजकल हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम विडीसाइड्स कहते हैं ठीक है टू और फोर डेज में ये क्या करता है कि मतलब जो इस मतलब विडिसाइड को आप स्प्रे करना होता है यू हैव टू स्प्रे विडिसाइड्स एंड आफ्टर टू और थ्री डेज द वीड्स विल बिकम ड्राई तीन चार दिन में जो वीड्स होते हैं वो सूख जाते हैं ठीक है अफार्मीज टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट एनी हार्म फ्रॉम द वीडीसाइड लेकिन क्या होता है कि हार्मफुल केमिकल ही ज़मीन को भी नुकसान पहुँचाता है लेकिन अभी तो फिलहाल हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होता या तो मैनुअली हमें वीड्स को रिमूव करना होता है या फिर हमें वी हैव टू यूज वीडिसाइड्स बिकॉज इट इट्स अ टाइम सेविंग केमिकल टाइम को सेव करता है बट इट्स अ वेरी पॉइजनस ये बहुत नुकसानदायक भी होता है सो वाइल यूजिंग वीडिसाइड वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस मतलब हमें सावधानी रखनी चाहिए जब भी आप वीडिसाइड का उपयोग करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है थ्रेसिंग थ्रेसिंग मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हश मतलब घास से जो ग्रेन घास से जो होता है या फसल जो हश होता है मतलब फसल जिस पर घास होती है या फसल को गेहूं के दानों को गेहूं का जो वेस्ट मटेरियल उससे अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है मतलब थ्रेसिंग एक तरह की सेपरेशन प्रोसेस है से, मतलब थ्रेसिंग क्या है तो आप ऐसा लिख सकते हैं थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप जो हमने फसल उगाई है उससे अनाज को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं ठीक है, है? थ्रेसिंग इज़ डन बाय थ्रेसिंग मशीन थ्रेशर होती है थ्रेशर मशीन आती है जो क्या करती है घास को अलग कर देती है और क्या करती है ये ग्रेन अनाज को अलग कर देती है या फिर पुराने ज़माने में जैसे कैटल थे कि एक जगह पर हम लोग धान को गेहूं को या चावल को बिछा देते थे और उसके ऊपर जो कैटल थे वो चलते रहते थे राउंड 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 तो बार बार चलने के कारण ग्रेन अलग हो जाता था और जो हश होता है मतलब जो क्रॉ जो वांटेड मटेरियल है वो अलग हो जाता था इस तरह से हम करते थे पुरानी जो ट्रेडिशनल मेथड थी कैटल्स आर टाइड इन अ सीरीज अराउंड अ पोल मतलब एक इस तरह का ग्राउंड बना लेते थे उस तरह के ग्राउंड में क्या होता था यहाँ बीच में यहाँ क्रॉप डाल दी जाती तो यहाँ पर तीन चार एनिमल बांध दिए जाते थे और यहाँ से राउंड ऐसा मूव लेते थे ठीक है इसमें लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी और ये जब इफ़ यू ग्रो क्रॉप इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी इट इज़ वेरी यूजफुल बट व्हेन यू आर ग्रोइंग क्रॉप इन अ लार्ज क्वांटिटी इट्स नॉट यूजफुल यू हैव टू यूज़ थ्रेसर मशीन आजकल तो क्या हार्वेस्टर ही आने लगे हैं जो क्या करते हैं फसल को हार रीप भी कर देते हैं काट भी देते हैं और हारवेस्ट थ्रेस भी कर देते हैं इसमें क्या करते थे कि एनिमल्स आर मेड एनिमल्स से हम क्या करते हैं ट्रैम्पल करवाते थे मतलब पैर रखवाते थे फसल पर हार्वेस्टेड फसल पे इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग द ग्रेन जो क्या होता था सेपरेट कर देते थे ग्रेन को किससे हार्वेस्टेड क्रॉप से एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्राम मेन्योर ये आपका इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि फर्टिलाइजर और मेन्योर में क्या अंतर है सो फर्टिलाइजर इन और इनऑर्गेनिक में इनआर्गेनिक मतलब होता है ये फैक्ट्री में बनते हैं इसमें कार्बनिक इनआर्गेनिक मतलब कार्बन के अलावा और के दुनिया में दो तरह के एलिमेंट हैं कार्बनिक और इनआर्गेनिक तो कार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन मेन हो ठीक है इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन तो हो लेकिन साथ में और भी चीज़ें हो तो इसे इनऑर्गिक इनऑर्गेनिक कहते हैं तो फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक होता है मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस मतलब मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस ऑप्टेंट साल्ट मतलब एक तरह मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है ठीक है इट इज़ वी मतलब वी गेट मैन्योर बाई डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू मतलब ये जो मेन्योर हमें मिलता है वो कैसे हाउ डू वी ऑप्टेन मेन्योर हमें मेन्योर कैसे मिलता है इट वी गेट मेन्योर बाय डी कम्पोजिशन मतलब हमको मेन्योर मिलता है डी कम्पोजिशन से किसके कैटल डग मतलब गा, गाय गाय जानवरों के गोबर से ह्यूमन वेस्ट इंसान के वेस्ट से या प्लांट एसिड्यू प्लांट की जो चीज़ें जैसे पत्तियाँ झड़ जाती हैं या सूखा हुआ कुछ लकड़ी गिर जाती है उससे जो बनता है उसे कहते हैं मेन्योर फ़र्टिलाइजर इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़ फर्टिलाइजर जो होता है वो फैक्ट्री में बनता है मेन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड जबकि जो मेन्योर है वो फील्ड में तैयार किया जा सकता है खेत में तैयार किया जा सकता है अब फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू दॉयल क्या होता है कि जो ज़मीन की जो सबसे ऊपर लेयर होती है ब्लैक कलर की उससे हम ह्यूमस कहते हैं जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है ठीक है तो जो फर्टिलाइजर होता है इट डज़ नाट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल ये मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता जबकि मेन्योर जो होता है इट प्रोवाइडस अलॉट ऑफ ह्यूमस टू दॉयल सॉइल को एक ह्यूमस देता है मतलब ब्लैक सॉइल की जो ऊपरी लेयर रहती है सबसे बड़ी उसमें कुछ ऐड करता है वो देता है मेन्यूर ठीक है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिय लाइक मतलब जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है फॉसफोरस हो रहा पोटेशियम होता है क्योंकि मैन्यू जो मेन्योर होते हैं रिलेटिवलीस रिच ये चीज़ें कम होती हैं उसमें मतलब नाइट्रोजन भी कम होगी फॉस्फोरस भी कम होगी और पोटेशियम भी लेस होती है इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइजर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इरिगेशन इरिगेशन क्या है इरीगेशन क्या है? ये वाली जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे सेकेंड वीडियो में ठीक है तब तक टेक केयर बाय बाय